जी हाँ, सब कुछ अच्छे से हो गया. रिंग्स भी अच्छे से एक्सचेंज हो गई और सबकी ब्लेसिंग्स भी मिल गई. एंड इवन मेहर वॉज हैप्पी, सो एवरीथिंग वॉज कंटेंट. आई लव माई आउटफिट, यू नो आई एम ऑल्सो गेटिंग अ वेरी गुड फीडबैक्स. फ्यू पिक्चर्स जो कि मैंने अभी तक पोस्ट किए इंस्टा में, उन पर लोगों ने काफ़ी अच्छे फीडबैक्स दिए हैं इसमें. That this hot pink suits me a lot. I don't know how are your reactions, but yeah, I think this is actually suiting me a lot. Okay, so मतलब सगाई में काफी भांगड़े वगैरह नाच गाने भी हुए हैं, तो कैसे लगा? मतलब पंजाबी शादी कुछ यादें वादे ताज़े हुई हैं? Well, जैसा आपने कहा पंजाबी शादी है, तो उसमें डांस तो is the you know backbone of पंजाबी शादी. So ऐसे ही इसमें हुआ. मतलब मैं तो अब मेहर के घर पे आके मैंने इतना डांस कर दिया. I don't know अब आगे के फंक्शन जो मेहंदी और संगीत और शादी होगी उस पर क्या करने वाला हूँ मैं. परम के पापा तो बहुत खुश हैं, बट परम भी बहुत खुश है कि उसकी मम्मियों से मिल गई, कविता वगैरह भी सुनाई है परम. या ऑफ कोर्स यू नो बिकॉज ये सारा कुछ शुरू परम से ही हुआ था एंड इट वाज हिज डिसीजन. उसकी चॉइस थी जो कि बाद में मेरी भी चॉइस बनी कि ही वांटेड मेहर एज हिज मदर. तो वो सब कुछ हो रहा है एंड आई होप सब कुछ आगे अच्छा ही हो. जी हाँ, वो ऐसा कुछ है, बट आई डोंट नो, आई डोंट वांट डिस्क्लोज दैट थिंग कि वो कैसे होती है. बट हाँ, हमारा एक दोनों का डांस है विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डांस, और एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग है जिसपे हम डांस कर रहे हैं. पंजाबी ऑथेंटिक सॉन्ग है, तो आप जब लोग देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बिकॉज इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक मी एंड मेहरा डांसिंग टुगेदर. इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग. क्वेश्चन मार्क. उनका अचानक से जीना काफी थोड़ा. जी हाँ, क्वेश्चन मार्क. ओके, लास्ट की मतलब इतनी अच्छी टीआरपी गई है, लाइक टॉप 1 शोज में से आज आ गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कितना थैंकफुल है आपके फैंस? और यू नो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल. आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड to all my fans, our viewers, and of course to you guys also, you know, who are promoting our show really well. So it's all our team effort, whatever's happening, and I think it's the audience love and affection jo ki wo itna de rahe hain aur hamari story ko itna pasand kar rahe hain. And also the story itself, you know, for the first time, even my mom said for the first time, she normally doesn't, you know, wo analyze nahi kar pati hai ki story achhi hai because mera show hai to wo dekhti hai. For the first time she also said ki bhai iski story bahut hi achhi hai. तो यू नो और फैंस को ये अच्छी लग रही है, वही हमारा एक मोटिव है कि हम जितना ज़्यादा उनको एंटरटेन कर पाएँ उतना हम करेंगे, और वो जितना ज़्यादा हमें प्यार दे पाएँ वो उतना दे रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ वो आगे भी उतना ही ज़्यादा प्यार दें हमें. थैंक यू सो मच. आई विल डू इट. आप पहले ले लो, शूज़ मत लेना, गंदे हैं बहुत. ऐसे पहन कर ले. So, sorry. करूँ? Okay. So I'm wearing this hot pink शेरवानी जो कि हमारे स्टाइलिस्ट जो हैं अनिरबान जी, उनका स्टाइल है. इट्स ही इज़ गिवन अ वेरी ब्यूटिफुल कट फ्रॉम हेयर एंड बिकॉज ये जो कुर्ता है, इस कुर्ते के नीचे जो प्लीट्स हैं, ये प्लीट्स विजिबल होनी चाहिए बिकॉज ये स्टाइल है इसका. इट्स वेरी ऑथेंटिक ऑल्सो एंड इट हैज़ दैट मॉडर्न टच. ये जो वेस्टर्न टच है वो ये प्लीट्स का है, बाकी जो ऑथेंटिसिटी है वो इस शेरवानी की है जो कि नॉर्मली पंजाबी फैमिलीज में पहनी जाती है. और ऊपर मेरे पगड़ी है विच इज़ ऑल्सो हॉट पिंक एंड आई थिंक इट्स गिविंग अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट टू माई होल अटायर. और ये नौलखा हार है, सॉरी, ये जो एक नौलखा हार है ये वाला, इट्स रियली प्रिटी, यू कैन सी. इसमें पूरे पर्ल्स के जो मालाएं हैं और साथ में इसमें नीचे जो ब्रोच लगा है, इट्स रियली ब्यूटीफुल. और यहाँ पे भी एक मेरे ब्रोच है विच डिफाइंस द सन, सो इट्स रियली प्रिटी. सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम एंड आई थैंक माई स्टाइलिस्ट मिस्टर अनिरबान फॉर गिविंग इट टू मी.